माय स्वीट होम एंड डेकोर चैनल पर आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम आज बना लेंगे बहुत ही टेस्टी से सूजी के लड्डू, वो भी मेरे स्टाइल के। बहुत जल्दी बन जाते हैं ये लड्डू और बहुत कम चीज़ों से बन जाएंगे ये। आपको बहुत सारी चीज़ें ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं उसी से बन जाती हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है सूजी एक बड़ी कटोरी से, और यहाँ लिया है मैंने थोड़ा दरदरा पिसी हुई चीनी। बस हम इसको दरदरा पीस लेंगे, ज़्यादा पाउडर्ड नहीं पीसेंगे। और मैंने यहाँ लिया है थोड़ा सा खोआ, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, हम दूध थोड़ा सा डाल के भी इसको बना सकते हैं। और लिया है डेसिकेटेड कोकोनट, 2 टेबलस्पून काफ़ी है। और लिया है यहाँ इलायची पाउडर। तो बस थोड़ी सी चीज़ों से हम बना लेंगे बहुत ही यमी सूजी के लड्डू। तो सबसे पहले हम गैस पर कढ़ाई रख के उसमें सूजी डाल लेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। ये ब्राउन नहीं होना चाहिए, बस इसका कच्चापन जाने के लिए हमको इसे फ्राई करना है। हमने अभी तक इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ सूजी है ये। अब खुशबू आने लग गई है हल्की हल्की सूजी में, तो 1 टेबलस्पून हम घी ऐड कर लेंगे इसमें। घी डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा और भून लेंगे। बहुत धीमी आंच में भूनेंगे ताकि इसका कलर चेंज ना हो। थोड़ा सा खोआ है मेरे पास तो मैं इसे भी ऐड कर लूँगी इसमें। और अब हम ऐड कर लेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। ताकि इसी गर्माहट में ये भी अच्छी तरीके से भुन जाए। देखिए अब हमारी सूजी एकदम तैयार है। हम अभी गैस बंद कर लेते हैं। तो हमने अभी गैस पे से कढ़ाई को उतार लिया है और हम इसमें ऐड कर लेंगे इलायची पाउडर और अब हम इसमें डाल लेंगे शुगर। जिस कटोरी से हमने सूजी लिया था उसी कटोरी से हमने 1 कटोरी शुगर को थोड़ा सा दरदरा पीस लिया था और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो लड्डू हमारे अच्छे से नहीं बनेंगे, तो हम अभी गरम पे ही इसको मिक्स कर लेंगे शुगर पाउडर ऐड करके। तो अभी इस टाइम पर हमने 1/2 ग्लास के करीब दूध ले लिया है, तो थोड़ा थोड़ा हम ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे और इसके लड्डू बांध देंगे।
हम अभी लड्डू बांध लेंगे। अगर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो लड्डू बनाने में आसानी नहीं रहेगी और ये खुलते रहेंगे, इसीलिए हम अभी इस टाइम पर गोल गोल लड्डू बना लेंगे सूजी के। बहुत ही टेस्टी बने हैं। वैसे तो पहली बार में परफेक्ट नहीं आते, लेकिन बनाते बनाते परफेक्ट हो जाते हैं। ऐसे भी अपने लिए, अपने फैमिली के लिए है, तो जैसे भी बनेंगे अच्छे ही लगेंगे। तो देखिए, इस टाइप से मैंने एक लड्डू यहाँ पे बना लिया है। इसको साइड में रख लेते हैं और बाकी भी मैं इसी तरीके से बना लूँगी। आप चाहे तो इस पे बादाम, काजू फ्राई करके भी लगा सकते हैं। अब मैं एक और बना लूँगी। कितना अमाउंट में लेकर हम इसको धीरे धीरे उंगली से इस तरीके से दबाते हुए बना लेंगे। यमी एंड टेस्टी सूजी के लड्डू तैयार है फ्रेंड्स। आप भी ज़रूर इन्हें ट्राई करना। झटपट से बन गए हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बने हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और मेरा वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।